अब सुरा और सुंदरी के चक्कर में श्रवण कुमार लग गए, माता पिता का बांगी फेंक दिया। दिल्ली की राजनीति बहुत खराब। हाँ, दिल्ली का नशा जिसको लगा, दिल्ली का हवा जिसको लगा, वो समझिए समाप्त हो गया। पूरी तरह से दलालों के चुंगल में अब यह पार्टी कोई पार्टी नहीं रह गई, एक गिरोह बन गया है। जो एंटी नेशनल ताकते हैं, वह जो गुजरात में आपके पास बैठ के रात दिन दिल्ली में बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पशुपति पारस के हनुमान कहे जाने वाले श्रवण अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। कल ही हमसे बातचीत के दरमियान इन्होंने कहा था कि बिहार में पशुपति पारस जी अच्छा काम करेंगे, 2024 को लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या हो गया श्रवण जी, अचानक से आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, लगातार देखिए, निरंतर हमने कई बार पारस जी को समझाया, और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की बात क्या, वो अपने सांसदों की भी बात नहीं सुनते। पार्टी को पूरी तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया, दलालों के चक्कर में, बिचौलियों के चक्कर में वो पूरी तरह से दलालों से घिर गए हैं दिल्ली में। और दिल्ली का नशा बहुत खराब होता है। हाँ, दिल्ली का नशा जिसको लगा, दिल्ली का हवा जिसको लगा, वो समझिए समाप्त हो गया। उनको दिल्ली का हवा लग गया है, दिल्ली का नशा लग गया है, दिल्ली में दिल्ली के दलालों से वो निकल नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से दलालों के चुंगल में अब यह पार्टी कोई पार्टी नहीं रह गई, एक गिरोह बन गया है। एक दलालों का, बिचौलियों का, चाटुकारों का गिरोह बन कर रह गया है, और उससे पारस जी घिरे हुए हैं। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया, पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया आपने, पूरे दल को समाप्त कर दिया आपने। रामविलास पासवान का जो सपना था, रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था, रामविलास पासवान जी ने अपने 50 वर्षों के सियासी जीवन में गरीबों के लिए, हमेशा वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, बिहार की जनता मालिक के लिए, बिहार के आवाम के लिए, हर धर्म के लोग के लिए, और ख़ास करके गरीब तबके, खेत और खलिहान में काम करने वाले किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों की बात को सोचते थे, और उनके हक और अधिकार की लड़ाई को वो लड़ते थे। और उस सपने को आपने हम लोगों को सपना दिखाया था पारस जी, कि आपने सपना दिखा के उस समय पार्टी को तोड़ा, आपने ऐसे समय में पार्टी तोड़ा जिस समय रामविलास पासवान जी के चिता की आग भी ठंडी नहीं होती, लेकिन आपने पार्टी तोड़ दिया। आप पे विश्वास करके हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना आपको देने का काम किया, पसीना नहीं कि पूरा खून देने का, इस पार्टी को हमने खून से इस पार्टी को सींचा, आपको सींचा। आप श्रवण अग्रवाल के प्रकाश से प्रकाशित होते थे, पशुपति कुमार पारस के प्रकाश से और मेहनत से, हमारे मेहनत और खून पसीना से इस पार्टी चलती थी, पार्टी को हमने चलाया। आपने हम जैसे कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, प्रताड़ित किया, जो देश विरोधी ताकते हैं, जो एंटी नेशनल ताकते हैं, वह जो गुजरात में आपके पास बैठ के रात दिन दिल्ली में बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं। आपका निशाना बिहार में जदयू के बड़े नेता हैं, उनका भी संबंध रहा है आपकी पार्टी से, उनके आप लोक जनशक्ति पार्टी से उनकी पत्नी सांसद हैं, उनके तरफ है क्या? नहीं 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 नहीं, एंटी नेशनल हमारे कोई सांसद भाजपा के खिलाफ साजिश रची जाती है वहाँ, भाजपा के खिलाफ रात दिन बैठ के एंटी नेशनल लोग, मतलब पांच सांसद में से कोई होंगे? नहीं, पांच टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग का इशारा आप समझ लीजिए। एंटी नेशनल लोग जो पाकिस्तान में विश्वास रखते हैं, खाते हैं भारत का, गाते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान यदि जीतता है तो क्रिकेट में ताली बजाते हैं पारस जी के पास बैठ के, वैसे लोग ने पार्टी को रामविलास पासवान के सपनों को तो हिमाचल हरा रहे थे पारस जी के पास बैठ के। ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्रिमिनल आपराधिक तत्व से वो घिरे हुए हैं, आपराधिक तत्व। एक ड्राइवर है जिसका नाम सद्दाब है, मोहम्मद सद्दाब, एक मोहम्मद हम्माद अहमद है, एक मेहताब आलम है, इस लोगों के साथ बैठ के वो रणनीति बनाते हैं, और मंत्रालय में दिन रात ऐसे तत्व सक्रिय हैं मंत्रालय में। आप बताओ पारस जी, आपको आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा विश्वास करके आपको इतना बड़ा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी, फूड प्रोसेसिंग विभाग, फूड से प्रोसेस, आपको इतना बड़ा विभाग का जिम्मेवारी दिया। आप बिहार के कितने जिलों में गए मंत्री बनने के बाद, एज ए मंत्री मंत्रालय की उपलब्धि लेकर यदि किसी जिला में आप गए होंगे तो मैं सार्वजनिक जीवन से, आप पूछिए पारस जी से, आप ये सवाल पूछिए कि श्रवण अग्रवाल आपसे, आपको चुनौती देता है, आपसे सवाल पूछता है कि आप आई जी मंत्री कितने जिले में गए केंद्र की उपलब्धि को लेकर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ के साथ ये सरकार काम कर रही है, और उस संकल्प को हम मजबूत करना चाहते हैं। रात दिन हमारा खून पसीना, हमारा आज भी सपना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को खाना पहुँच, साल एक, रामविलास पासवान ने जो सपना देखा था
हर गरीब कोई भूखा नहीं रहे कोरोना के समय में, जो फ्री राशन का 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक साल एक्सटेंशन दिया। आपकी नाराजगी पशुपति पारस से है कि प्रिंस राज से? प्रिंस राज जी से हमारी कोई नाराजगी ना है, ना दल के किसी सांसद, प्रिंस राज जी की तो बात ही नहीं सुनते पारस जी, ना किसी सांसद की बात सुनते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि प्रिंस राज भी चिराग के साथ जा सकते हैं, टच में है, इसलिए कि चाचा पशुपति पारस उनकी भी नहीं सुनते। देखिए एकदम प्रिंस जी की कुछ नहीं सुनी जाती, प्रिंस जी रबर स्टाम्प बना के रख दिया है, प्रिंस जी की किसी सांसद की नहीं, पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़िए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कितना जिला में गए, आप 38 जिला में किसी एक जिला में भी गए होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के संगठन में, कार्यक्रम में, जिला सम्मेलन में, यदि आप गए होंगे आप बता दो तो मैं सार्वजनिक जीवन से चुनौती देता हूं, संन्यास ले लूंगा। आप बहस करो सर्वन अग्रवाल के साथ, आप कहते हो सर्वन अग्रवाल को मैंने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, अरे हमने आपको लात मार दिया, आपकी ऐसी झूठी पार्टी, आपकी ये कोई पार्टी है, ये कोई दल है, ये गिरोह है, हमने छोड़ दिया, एक एक कार्यकर्ता आने वाले दिनों में इस पार्टी को छोड़ देगा, यह देख रहे हैं कि अंतिम समय है, पूरे अनपॉपुलर हो चुके हैं, हाजीपुर में भी पूरी तरह से इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, हाजीपुर में जाए ना, हाजीपुर जाए, चुनाव में चुनौती है, जाए हाजीपुर, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। चिराग ने जो आरोप लगाया था पशुपति पारस पर, क्या वो आरोप सही है? तरह तरह की बातें चिराग के लिए भी, उनकी माँ के लिए भी बोलते हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जिस समय पार्टी को इन्होंने तोड़ने का काम किया, जिस समय अपने भाई को, बड़े भाई रामविलास पासवान को राम कहते हैं, और राम के पुत्र को आपने उस समय, वैसे समय में जिस समय आपकी भाभी माँ को, सीता माँ को आपका जरूरत था, आपने उस समय पीठ में छुरा भोंका, आपने हम जैसे कार्यकर्ताओं से झूठ बोला, पाखंड किया, छल किया, फरेब किया, आपने झूठ बोलकर झूठा भरोसा दिलाकर कि हम पार्टी को ले जाएंगे, रामविलास पासवान के सपनों को आप केवल माल और माल कमाने के, नोट कमाने के चक्कर में, धन अर्जित करने के चक्कर में दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपको एक कहानी सुनाते हैं, सुनिए बरार। श्रवण कुमार का नाम आप सुने होंगे, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार अपने माता पिता को, माता पिता ने इच्छा जाहिर की श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए, चारों धाम की यात्रा कराने के लिए, श्रवण कुमार अपने मिता एक बांगी बनाया, बांगी में एक तरफ अपने माँ को बैठाया, एक तरफ पिता को बैठाया, सुनिए ना आप सुनिए, और लेके चला चारों धाम घुमाने। जब दिल्ली के बॉर्डर को वो पार किया, दिल्ली बॉर्डर पे इन किया, तो वहाँ दिल्ली का ये कल्चर है, दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली की ना अपनी कोई संस्कृति है, दिल्ली के हवा में जो पड़ा, दिल्ली के नशा में जो सुरा और सुंदरी के चक्कर में वहाँ पड़ा, तो श्रवण कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लोगों ने वहाँ घेर लिया, दिल्ली वालों ने, दलालों ने, अब सुरा और सुंदरी के चक्कर में श्रवण कुमार लग गए, माता पिता का बांगी फेंक दिया, फेंक के अब लग गया, तो भगवान सब हाहाकार मच गया कि अंधे माँ बाप को फेंक दिया, तो ईश्वर ने उनको बुद्धि दी, जब उसका नशा टूटा सुरा सुंदरी से, तो भागे भागे गया, माँ बाप को उठाया, गोर पकड़ के माफ़ी मांगा, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि श्रवण ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये दिल्ली का दोष है। मतलब उनके साथ भी यही हो रहा है, यही हो रहा है, दिल्ली के नशा में पड़ गए हैं, तो दोष उनका नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, उनका विवेक मर गया है नाशते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।